बड़ी माँ, माँ कोई है? जल्दी आओ। रानी, ये क्या हुआ रानी को? अरे रानी, अभी अभी तो ठीक थी, हाँ अचानक क्या हो गया इसे? हाँ दीदी, ये मुझे गोडाउन में इस हालत में मिली। पानी लेके आओ। रानी, रानी, तुमने आज तो पता नहीं मेरा क्या हो जाता, मैं बहुत डर गई थी। लेकिन तुम वहां पहुंची कैसे? राज, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे तो कमरे में आराम करना है। रानी बेटा, तुम जाके कमरे में आराम करो। प्रीति, रानी को अपने कमरे में ले जाओ। कहा था ना कि उस रानी से बचकर रहना, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी, चले गए उसे बचाने के लिए। वो काकी मने के पड़े किसी के पीछे जाने की, मैं तो अपने कमरे में बैठा था, वो तोसी से ना तोसी वो दौड़ा दौड़ा आया मेरे कमरे में और चिल्लाने लगा कि रानी मुसीबत में पड़ गई। तो मन लग गया ऊंट की पूछिए कौन सी मुसीबत। बस और कुछ नहीं सुनना हमें। वो मेंढक खुदक के आए तुम्हारे पास और कहा कि रानी मुसीबत में है और तुम चले गए। तुमको समझ में क्यों नहीं आता है? तुम उस रानी को नहीं जानते, हम जानते हैं उसे बहुत अच्छी तरह से। पता है ये सब जो हुआ ना, वो सब एक नाटक था। अगर उसे भनक भी लग गई कि तुम राज नहीं बल्कि शेरा हो तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसने कुछ सुन तो नहीं लिया। इसके चेहरे से तो लग रहा है कि इसने कुछ नहीं सुना। राज, बड़ी माँ, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? ओह, वो मैंने दरवाजा काफी जोर से खोल दिया ना, सॉरी। लगता है आप लोग शायद आवाज से डर गए। मैं तो बस ये बताने आई थी कि डिनर रेडी है, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी आ जाइएगा। आप लोग आ रहे हैं ना? तुम जाओ, हम आ रहे हैं। हमें तो लगा कि रानी ने सब कुछ सुन लिया, तब तो वो हमारे पीछे ही पड़ जाती हमें बर्बाद करने के लिए। ओ काकी, वैसे तेरी ये बात बड़ी सही है, ये छोरी बड़ी तेज और सातिर टाइप की से। हमारे कदम जब से इस हवेली में पड़े ना, मैंने यो बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई। ये छोरी, इसकी सूरत इतनी भोली लेकिन छोरी बड़ी खतरनाक से, और कब के सोच के करे किसी को कुछ पता ही ना चले। लेकिन तू चिंता मत कर काकी, आज से पहले इसने तुझे अकेला समझ के बहुत सताया ना, अब मैं शेरा तेरे साथ है, अब ये तेरा कुछ ना बिगाड़ सके। अब तू देख, तेरा ये शेरा सारी सच्चाई सबके सामने लाके दम लेगा। अच्छा, मैं लग रहा है कि
सच में हमारा राज वापस आ गया है। वो भी इसी तरह हमेशा हमारा ख्याल रखता था और यही बात उस रानी की आंखों को खटकती थी। वो हमसे नफरत करती है और इसीलिए वो हमें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी हद तक जा सकती है। काकी, वो छोरी थारे को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है ना, तो मैं तेरा सिरा तुझे बचाने के लिए कुछ भी कर सकूं। तू मेरी माँ जैसी है, माँ जैसी। अब मेरी माँ को कोई आंख उठा के देख ले, इतनी किसी की मजाल ना है। काकी, काकी तो रो मत काकी। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और हमें भी छप्पर फाड़ के ये बेवकूफ मिला है जिसकी शक्ल तो राज की तरह है लेकिन अकल तो इसमें एक रुपये की भी नहीं है। हमें इससे ज्यादा क्या मिल सकता था। शेरा, तो ये मेरा राज नहीं है। मेरा राज मेरे पास वापस नहीं आया। ये कोई और है। आपने मुझे नया जीवन दान दिया है, इसलिए आज से मैं आपको बड़ी माँ कहके बुलाऊंगा। यहाँ आओ और तुम्हारे सर पर जो पगड़ी है वो बड़ी माँ को पहनाओ। क्योंकि ये तो मेरा राज है ही नहीं, ये तो इस वसुंधरा के हाथ की कठपुतली है जो मेरे राज की जगह लेने की कोशिश कर रहा है और मैं इसे अपना राजू समझकर हमारा प्यार याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम कभी राज नहीं बन सकते। बन जाती है, मैं कैसे इन्हें भूलूं, दिल को क्या समझाऊं। कितनी बातें कहने की हैं पर जो सहमी सी है, एक रोज राज नहीं है। ये कैसे हो सकता है रानी? ऐसे ही हुआ है तोशी, वो एक धोखेबाज है जो वसुंधरा के साथ मिला हुआ है। वो मेरा राज नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं उसके पास अपनी मांग में सिंदूर भरवाने गई थी। मैं कितनी बड़ी भूल करने वाली थी। मुझे लगा था मेरा राज वापस आ गया। राजा रानी दूर नहीं हुए, लेकिन ये तो एक फरेबी है। मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि मैं इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ। रानी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कोई भी धोखा खा सकता है और ये लोग इतने शातिर हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब उन लोगों को मैं यहाँ चैन से नहीं बैठने दूंगी। उन्हें लगता है कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, पर अब और नहीं, उन्हें इस धोखे की सजा मिलकर रहेगी। रानी, हमें ये सच सबको बता देना चाहिए। नहीं तोशी, अगर हम बिना सबूत के किसी को कुछ बताएंगे तो वसुंधरा उसका वो फरेबी फिर से सबको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं, इसीलिए इस बार हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम जीतने का मौका नहीं दे सकते उन्हें। अगर इस बार वो जीत गए तो हमारी हार होगी। लेकिन अब आगे करना क्या है? तोशी, मेरे पास एक प्लान है, ऐसा प्लान जिससे इनका सारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैं उस झूठे टिंगर का हॉट चॉकलेट फच करके रहूंगी,
लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। उसने मेरे हम सबके जज्बातों के साथ खेला है, मेरे राज की जगह लेने की कोशिश की है, उसकी जिंदगी उसकी पहचान का मजाक बनाया है। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जहां वो सबके सामने अपने मुंह से सच बोलेगा। साहब, ईरानी मैडम ने आपके लिए भेजा है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि रानी कुछ करेगी, कहीं वो शेरा को फंसा ना दे। मैं जाकर देखती हूँ। रानी, रानी, तुम क्या कर रही हो? लगता है हमारे आंसुओं का काफी गहरा असर हुआ है हमारे इस नए बेटे पर। इसलिए अपनी सुहाग राज छोड़कर चुपचाप यहां सो रहा है। यही तो हम तुमसे चाहते थे शीरा। शाबाश। यानी अब तुम क्या करोगी? कैसे करोगी अपने राजू को अपने वश में? तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही चाल चलना जानती हो? थोड़ा वेट करो, रानी की चाल तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तुम ये सब क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। अरे क्या हुआ? तुम्हें तो असली नकली का गेम खेलना था शेरा। क्या हुआ, हैरान हो गए? मुझे पता है तुम मेरे राज नहीं हो, बल्कि तुम एक नकली टिंगर हो। लेकिन ये गेम असली है। रानी, ये सब क्या है? रानी, तुम करना क्या चाहती हो? मैं तुम्हें तड़प तड़प के मरते देखना चाहती हूँ। बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो। जितनी देर करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बुरा होगा, और जितनी जल्दी सच बोल दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा। क्योंकि जितनी गैस बढ़ती जाएगी उतनी ही तुम्हें प्रॉब्लम होगी, और अगर गैस ज्यादा हुई तो तुम मुझे। तो असली और नकली पता चल गया शेरा, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला, मेरी फैमिली की फीलिंग्स के साथ खेला, तुमने हमें धोखा दिया है। बस ये उसी का रिटर्न गिफ्ट है। रानी, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा राज हूँ। रानी, मैं वसुंधरा को धोखा दे रहा हूँ। रानी, मेरी बात सुनो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? ऐसे टाइम पे भी तुम ट्राई कर रहे हो? तुम ना सच में बहुत बेवकूफ हो। ऑफ कोर्स हो गई, तुम मेरे राज जो नहीं हो। और प्लीज अभी कोशिश मत करना, ठीक है? क्योंकि मैं तुम्हारा सच तुम्हारे मुंह से सुन चुकी हूँ, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। रानी! अब तक तो रानी ने उसके मुंह से सच निकलवा लिया होगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती रानी? मैं वसुंधरा के साथ गेम खेल रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं। अपने दिल से पूछो रानी, तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने मेरी आंखों में जो देखा था वो प्यार था। तुम मुझे कैसे नहीं पहचान सकती रानी? पूछो अपने दिल से, तुम्हारा दिल झूठ नहीं बोलेगा। रानी, मेरा यकीन करो, मैं जो भी कर रहा हूं हमारे लिए कर रहा हूं रानी, तुम्हारे लिए, उस वसुंधरा को हराने के लिए कर रहा हूं। रानी, मैंने तुमसे कहा था रानी कि अगर मैं तुमसे दूर भी हो जाऊं तो वो पायल तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, वो तुम्हें एहसास दिलाएगी कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। रानी, ये आवाज सुन रही हो? ये मेरे दिल की आवाज है जो अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ रानी। राज, तुम सच मुझे मेरे राजू को? मैं ही खोल रही हूँ। खुल क्यों नहीं रहा? राज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं खोल रही हूँ ये।
राज नहीं खोल रही हूँ। मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा राज। अगर ये फोटो हट गई तो उस कमरे का राज खुल सकता है। साक्षी, बेटा तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वो मेरे को ना प्यास लगी थी, अब मेरे जग में पानी नहीं था, तो मैं ना पानी भरने के लिए जा रही थी और कुछ गिरने की आवाज आई, फिर मैंने राजू की फोटो देखी। ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तुमको पता है इस कमरे में ना भूत रहता है, भूत, बड़ा सा भूत। तुमको पता है उसे अगर पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो तो वो तुम उठा के लेके जाएगा। मुझे ले जाएगा, तुम्हें उठा के लेके जाएगा और फिर वहाँ ले जाके तुम्हें खा जाएगा। मुझे ना मुझे भूत से बहुत डर लगता है। डर लगता है ना, तो आज के बाद इस कमरे में कभी मत आना। मैं इस कमरे में कभी नहीं आऊंगी, तो भूत आ जाएगा ना। हाँ, मैं कभी नहीं जाओ। हाँ भूत है, भूत।
उस आदमी ने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो देती। शायद उसके परिवार वालों को पता भी ना हो उसके साथ क्या हुआ है, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। आज हमें उन्हें बताना होगा। उस आदमी ने अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाई है, उसका एहसान तुम जिंदगी में भी नहीं चुका सकते। लेकिन अगर उसके परिवार के लिए कुछ करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उसके परिवार के लिए जरूर कुछ करेंगे। अगर वो नहीं होता तो मैं आज तुमसे नहीं मिल पाता। लेकिन राज, तुम अगर वहां से बच के निकल गए तो वापस क्यों नहीं लौटे? मैं वापस आ रहा था रानी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वसुंधरा ने हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची है। एक बहुत बड़ा राज है रानी, जो उसने हमसे छुपा कर रखा है। राज? कैसा राज? क्या साजिश? क्या बोल रहे हो तुम?